प्रोफेशनल सैक्सोफोन लेना है, बजट नहीं होता। कुछ हाई एंड मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये बफेट क्रैम्पन 400 गोल्डन कलर में है। कुछ लोग रोज गोल्ड बोलते हैं, कुछ लोग हनी गोल्ड बोलते हैं। ये इसका एक विंटेज फिनिश आता है। एनग्रेविंग दोनों की सेम है, एक हनी गोल्ड कलर में है और दूसरा विंटेज मैट फिनिश में है। ये सेल्मर रेफरेंस 54 है, ये YS62 मेड इन जापान यामाहा। तो मैं इन दोनों के साथ भी आपको कंपेयर करके बताता हूँ। कुछ फील चाहते हैं बट अगर कंपेयर करेंगे आप तो ये थोड़ा सा डार्क है। चारों को मैंने एक साथ बजाया। हेलो फ्रेंड्स, डेव्स म्यूजिक मुंबई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कुछ हाई एंड मॉडल्स के बारे में बात करेंगे ऑल्टो सैक्सोफोन्स की। तो अगर हम कुछ हाई एंड मॉडल्स की बात करते हैं, कुछ प्रेस्टीजियस कंपनीज की बात करते हैं तो सेल्मर है, यामाहा है और फिर बफेट क्रैम्पन है। बफेट क्रैम्पन एक बहुत ही प्रेस्टीजियस और रिनाउंड कंपनी है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये सेल्मर से भी पुरानी कंपनी है। आज हम इसके बफेट क्रैम्पन 400 सीरीज के बारे में स्पेशली बात करेंगे। जो आप ये देखते हैं ये बहुत ही एक नाइसली बना हुआ, इसकी एनग्रेविंग अगर आप गौर करेंगे तो हर कीज पे है। ये बफेट क्रैम्पन 400 गोल्डन कलर में है, मतलब ये रोज गोल्ड कलर का आता है, हनी गोल्ड जिसको बोलते हैं। कुछ लोग रोज गोल्ड बोलते हैं, कुछ लोग हनी गोल्ड बोलते हैं, बट ये हनी गोल्ड है। तो एक तो इसका ये वेरियंट आता है और एक दूसरा मैं आपको अगर दिखाऊं, ये इसका एक विंटेज फिनिश आता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग ये सेल्मर रेफरेंस 54 है, दिस इज ओरिजिनल सेल्मर रेफरेंस 54, इसका कंपैरिजन करेंगे और साथ में हम लोग ये YS62 मेड इन जापान यामाहा, एक हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको इसका दूसरा वेरियंट दिखाता हूँ। अब आप अगर देखेंगे तो ये विंटेज फिनिश में है, मैट फिनिश। ये दोनों ही बफेट क्रैम्पन 400 हैं, एनग्रेविंग दोनों की सेम है, एक हनी गोल्ड कलर में है और दूसरा विंटेज मैट फिनिश में है। अभी ये क्या इनमें डिफरेंस है ये मैं आपको अभी बजा के बताता हूँ। ये हम सेल्मर शॉर्ट शैंक माउथपीस 2.5 नंबर रीट के साथ रॉबनर वर्सा लिगेचर, ये सेम स्ट्रेंथ की दोनों माउथपीसेस हैं, तो हम लोग दोनों ही यूज करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये विंटेज फिनिश बफेट क्रैम्पन 400 प्रोफेशनल सीरीज से। इसका जो की वर्क है वो इतना इजी है, जो ब्लोइंग है इसकी, जो प्लेबिलिटी है वो इतना आपको इजी फील कराता है, एक एफर्टलेस प्लेइंग जो होती है वो आपको नजर आती है इसमें। अच्छी आप डार्क टोन चाहते हैं, कुछ फील चाहते हैं तो ये बफेट क्रैम्पन मैट फिनिश आपके लिए है। अब मैं अगर सेम थोड़ा सा साथ साथ में आपको बजाता चलूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए सेम सेटअप के साथ है, बस अब ये वाला है ये बफेट क्रैम्पन 400 हनी गोल्ड कलर।
ब्राइटनेस है, थोड़ा सा जैसे आजकल का जो माहौल है, कुछ गाने जो बनते हैं उसमें ये फिट बैठता है, बट अगर कंपेयर करेंगे आप तो ये थोड़ा सा डार्क है। लेकिन अगर प्लेबिलिटी है तो प्लेबिलिटी जैसा इसका है सेम इसकी तरह है। एनग्रेविंग आप देखेंगे दोनों की सेम है, कीवर्क सेम है, ईज ऑफ ब्लोइंग बिल्कुल सेम है दोनों में। मेजर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो हल्का सा आप थोड़ा पंची सा साउंड चाहते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस चाहते हैं, तो आपके लिए ये बफेट है। जैसे साउंड बहुत अच्छा पंची सा साउंड इसमें आता है। अच्छे गाने जैसे जो आजकल का म्यूजिक है वो आप देखिए वो इसमें अच्छा लगता है, हालांकि है दोनों ही इसलिए बने, थोड़ा सा बिट जो लोग डार्क पसंद करते हैं वो मैट फिनिश में जाएंगे। बहुत अच्छा सा साउंड है, एक अच्छा फील करते हैं आप बजाते हुए, क्योंकि बेस ऑलरेडी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बेस मिलता है। और सेम अगर आप हाई एंड में भी जाएंगे तो जितना अच्छा बेस है उतना ही अच्छा आपको अपर नोट में भी सेम वैसा ही आपको रिस्पांस मिलेगा जैसा कि लोअर नोट पे। अब सेम अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये मैट फिनिश वाला है, डार्क मिलता है, लेकिन सुनने में आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन साउंड जरूर है कि इसमें थोड़ा जो पंच मिलता है ये आपको उतनी ही राउंड टोन मिलती है इसमें। एक जैसे फ्लो है चल रहा है बिल्कुल, तो इसमें फर्क सिर्फ यही है कि अगर किसी भी गाने में ठहराव है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, स्लो सॉन्ग है अच्छा परफॉर्म करेगा, बट साथ साथ में जो वर्सेटाइल सिंगिंग है उसके साथ इसको बजाना है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये। सो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है, ये प्रोफेशनल सीरीज है, तो इसमें आप कोई कमी शायद ना निकाल पाए ऐसा मेरा मानना है। की वर्क इसका बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ से थोड़े से ये ऐसे टिल्ट किए हैं तो ये फिंगर में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फिंगर के आकार के बने हुए हैं। सो ओवरऑल इज अ गुड पैकेज। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो आप देखिए आपको थोड़ा डिफरेंस पहले नोट में ही आना पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस है। इसमें मैं सेम सॉन्ग अगर बजाऊंगा तो आप देखिए अंतर आप देख सकते हैं। ये एक बेसिक कंपैरिजन था बफेट क्रम्पन 400 सीरीज मैट फिनिश और हनी गोल्ड कलर का। अब इसके साथ ही साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग और क्या बताने वाला हूं आपको। जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोफेशनल सैक्सोफोन लेना है, बजट नहीं होता, लोग ज्यादातर उनके जहन में आता है यामाहा ले लें या फिर सेलमर ले लें, यानागिसावा ले लें, जनरली थोड़े कॉस्टली भी हैं, लेकिन कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। बट फिर भी मैं एक सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी आप देखें तो बफेट
बहुत कुछ आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है अगर आप सेलमर या यामाहा लेने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए मैंने दो वेरिएंट, एक आपका सेलमर रेफरेंस 54 जो कि हाइंड मॉडल है, और दूसरा या YAS 62, ये भी प्रोफेशनल मॉडल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यामाहा का है, तो मैं इन दोनों के साथ भी आपको कंपेयर करके बताता हूँ। आप खुद बताइएगा कि आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। ये सेलमर रेफरेंस 54 है, ओरिजिनल, इट्स नॉट कॉपी, ओरिजिनल है ये। इसमें मैंने सेम माउथ पीस लगा रखी है। सेलमर ज़्यादातर थोड़ा अपना डार्क टोन के लिए जाने जाते हैं, तो मैं आपको सेलमर और बफेट मैट फिनिश के साथ इसका कंपेयर करूंगा, सो दैट मे बी शायद इन फ्यूचर आप थोड़ा सा जज कर सकें या अपना डिसीजन खुद ले सकें कि क्या आपको कम पैसों में बफेट से काम चल सकता है या फिर आपको एक एक्सपेंसिव सेलमर लेना ही जरूरी है। ये है बेस सेलमर का, ये है बेस। अब देखिए, ये बफेट का है, आप खुद अंदाजा लगाइएगा। कंट्रोल देखिए, ईज ऑफ प्लेइंग देखिए। अब मैं सेलमर बजा के बताता हूँ। अब ये सेलमर के साथ मैं देखिए इसको, बेस की बात करूं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं समझ में आता, जबकि अगर प्राइस की बात करेंगे तो सेलमर बफेट से 3 गुना ज्यादा प्राइस में मिलता है। आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता अगर मैं प्राइस वाइज बात करूं। अगर आप एक रेफरेंस लेने जाते हैं तो रेफरेंस मतलब एक तो भी जिस हिसाब से उसका प्रोडक्शन में नहीं है तो मिलना मुश्किल है, और उसके साथ साथ अगर आप बाकी देखेंगे तो क्लैरिटी ऑफ नोट्स हर जगह सेम मिलेगी। इजी प्लेबिलिटी है इसकी, जैसे सेलमर की होती वैसी। तो ये तो मैंने इसका आपको इसके रेफरेंस के साथ कंपेयर किया। दूसरा अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि ये बफेट थोड़ा बिट ब्राइटर है कंपैरेटिवली टू हमारे मैट फिनिश से, तो इसके कंपैरिजन में मैंने YAS 62 जो कि यामाहा को भी थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस के लिए बजाते हैं, तो इन दोनों में आप देखिए, क्योंकि ये YS62 एक प्रोफेशनल मॉडल है और 400 भी प्रोफेशनल मॉडल है। तो पहले हम लोग बेस पे जाते हैं। YS62 आप देख सकते हैं सेम, अगर हम इसकी प्लेबिलिटी देखें, हालांकि ये भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, बट अगर हम कंपेयर करें तो ये भी कम से कम नहीं तो इससे प्राइस वाइज दोगुने कीमत में आता है। ये बफेट देखेंगे, मुझे हालांकि
सच कहूं तो मुझे बफेट बजाने में ज्यादा मजा आ रहा है। कहीं कहीं पे मुझे इसका कीवर्क ज्यादा इजी नजर आ रहा है कंपैरेटिवली टू यामाहा। आप लोग खुद डिफरेंस महसूस कीजिए और हो सके तो फिर मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। ये वीडियो बनाने का केवल मेरा उद्देश्य इतना है कि जो लोग प्रोफेशनल सैक्सोफोन बजाना चाहते हैं लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बजट उतना नहीं है, वो लोग एज एन ऑप्शन बफेट क्रैम्पन पेरिस 400 को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही हाई एंड मॉडल्स के साथ इनका कंपैरिजन बताया है। इसके दो ही वेरिएंट आते हैं, एक हनी गोल्ड कलर और दूसरा मैट फिनिश। तो दोनों ही का मैंने पहले कंपैरिजन बता दिया, यामाहा के साथ हनी गोल्ड का और मैट फिनिश के साथ आपका रेफरेंस 54 का कंपैरिजन कर दिया। मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ ओरिजिनल साउंड सुनवाता हूँ। मैं अभी इसमें माइक या कोई साउंड सिस्टम लगा दूं तो मुझे नहीं लगता आप उसको बेहतर जज कर पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तो वहां पे आपको रॉ साउंड सुनने को मिलता है। तो ये रॉ कंपैरिजन है, एक्चुअल यानी कि वही साउंड आप जो यहां सुन रहे हैं यही साउंड आपको किसी आप स्टोर में जाके परचेज करते हैं सेम सुनने को मिलेगा। तो देन यू कैन रिकॉल एक्चुअली कि हमने वो सुना था उससे कितना डिफरेंस है या वो हमारे मतलब का साउंड था कि नहीं था, लाइक दिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो शायद आपको कुछ अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छे व्यूज दीजिएगा और मैं फिर इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद। बफेट क्रैम्पन मैट फिनिश। सेल्मर चारों को मैंने एक साथ बजाया एक ही गाने के साथ। अब आप खुद देख सकते हैं, एक बार डिसीजन ले सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सैक्सोफोन आपके लिए अच्छा है। थैंक यू।